अंधेर नगरी चौपट राजा, ये खिस्सा आपने सुना ही होगा। और ये खिस्सा हूबहू हमारे सीमांचल क्षेत्र के कटिहार जिला को सटीक से बैठता है। और हम इस कटिहार जिला के बारे में ये किस्सा का जो टैग लाइन है, इसीलिए इसको यूज किया क्योंकि ये कटिहार सिर्फ कटिहार नहीं है, क्योंकि ये वही कटिहार है जहाँ से बिहार को डिप्टी सीएम मिला है और ये डिप्टी सीएम का गृह जिला है। और यहाँ के सांसद भी लोकल है, यहाँ के सांसद के नाम दुलार चंद्र गोस्वामी है। और ये विधानसभा क्षेत्र है बिहार सरकार के मंत्री रहे विनोद सिंह जी की पत्नी निशा सिंह यहाँ की अभी विधायिका है। और जस्ट यहाँ पर बिजली विभाग के खिलाफ यहाँ पर धरना भी दिया गया है और जस्ट मेरे सामने से अभी यहाँ से उनकी गाड़ी गुजरी है, लेकिन उन्होंने रुक कर यह भी नहीं समझा कि यहाँ पर देख लिया जाए कि आखिर ये विरोध प्रदर्शन किस संदर्भ में हो रहा है। चलिए पूरी खबर आपको बताते हैं, सबसे पहले अपनी औपचारिकता को पूरा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सूरज रॉय और आप देख रहे हैं दर्पण लाइव टीवी समाचार। और अभी इस वक्त मेरी मौजूदगी है कटिहार जिले के आजमनगर पावर स्टेशन पर, और यहाँ पर जो है जन क्रांति और सीमांचल संघर्ष मोर्चा के द्वारा बैनर तले यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन किया गया है। और इन लोगों का मांग है कि लगातार पिछले कई महीनों से बिजली विभाग की नाकामी के चलते यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, किसानों को काफ़ी परेशानी हो रही है, जिसके कारण से यहाँ के जो है लोग यहाँ पर धरना पे बैठे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनका क्या क्या मांग है। और मैं आपको कुछ मांगों के बारे में बता दूं, जैसा कि पीछे बैनर में लिखा हुआ है कि बलिया बेलोन पावर स्टेशन का जल्द निर्माण को लेकर यहाँ पर धरना दिया गया है। इसके अलावा कमलाबाड़ी सलमारी पावर स्टेशन पर भी सब स्टेशन का निर्माण करने के लिए इन लोगों का धरना प्रदर्शन है। इसके अलावा लो वोल्टेज की समस्या, ये बहुत बड़ी समस्या अभी वर्तमान में बनी हुई है, खास करके बिजली उपभोक्ताओं के लिए। तो आइए, और पूरी जो भी मांग है, आइए हम यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन करने के लिए बैठे हैं हम उनसे जानते हैं। तो आइए हम बात करते हैं जन क्रांति के अध्यक्ष इंजीनियर साहब फैसल जी से, तो आइए उनसे पूरी जानकारी हम लेते हैं। सर, आज ये धरना प्रदर्शन हुआ है, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? देखिए, अगर सरकार अपने हिसाब से सुचारू ढंग से बिजली विभाग काम करती, जो सरकार का बिजली विभाग है, तो हम लोगों को धरना में आज बैठने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ये बारसोई जो अनुमंडल है, जो उसका इस अनुमंडल में, पूरे अनुमंडल में, बल्कि अनुमंडल से बाहर दो प्रखंड और है, जो प्राणपुर प्रखंड और डंडखोरा प्रखंड, उन वहाँ भी लाइट इसी सालमारी ग्रिड से ही, जहाँ 1,32,000 यहाँ आता है और यहाँ से फिर वापस जो है सब स्टेशन में होते हुए लोगों को बिजली मिलती है। इसमें इस बिजली ग्रिड से 3 विधानसभा को लाइट जाती है। इसमें जो है, इसमें कदवा विधानसभा, प्राणपुर विधानसभा और बलरामपुर विधानसभा, 3 सबसे कटिहार जिला का ये बारसोई अनुमंडल मेरा सबसे बड़ा अनुमंडल है। और यहाँ पर इतना सौतेला व्यवहार होता है बिजली विभाग का कि बिजली इतनी ज़्यादा आँख मिचोली करती है कि अचानक रात को बिजली आएगी। गर्मी से अभी मैं डाटा बताना चाह रहा हूँ, मेरे संज्ञान में जितना है अभी तक लगभग इस एक महीने में बिजली के कट से लगभग 22 लोगों की मौत हुई, जो मेरे संज्ञान में है। बिजली के पावर कट से गर्मी की वजह से जो मौत हुई, 22 मौतें हुई है। ये आंकड़ा कहाँ का है, 22 मौतें? ये जो मेरे नॉलेज में, जो अलग अलग गांव से हम लोग को जैसे अंतिम संस्कार में या जनाजे में जो शामिल होता हूँ, लोगों से जो बातचीत करने के आधे पता चला, तो पिछले ये जो 1 से 1.5 महीना के अंदर 22 लोगों की मौत हुई है बिजली के पावर कट की वजह से। आपको ये हर बार ये हम लोगों को समस्या आती है कि महानंदा नदी के दोनों ही क्षेत्र में हमारा ये एरिया है और वहाँ पर 1,32,000 का जो टावर है अक्सर गिर जाता है। तो हमारा ये कहना है, सरकार से ये मांग है, बिजली विभाग से ये मांग है कि वहाँ जब जो है महानंदा नदी में जब बड़े बड़े पुल निर्माण हो सकते हैं, बड़े बड़े पुल हैं ऑलरेडी, रेलवे पुल हैं, सड़क पुल हैं झौवा के पास, लाभा के पास और डंगरा के पास, तो ये पुल कई वर्षों से यहाँ पर हैं, लेकिन अगर उसी तरह अगर यहाँ पर टावर बना दिया जाए हेवी पाइलिंग करके, तो ये बार बार टावर गिरने का समस्या नहीं होगा। पिछले 2 घंटे से आप लोग बिजली विभाग के खिलाफ यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो अभी तक किन किन अधिकारियों से बात हुई और क्या रिस्पॉन्स मिला? देखिए, जब रोम जल रहा था तो वहाँ का जो बादशाह है नीरो, वो बांसुरी बजा रहा था, वही हाल यहाँ पे है। आज बारसोई अनुमंडल की जनता जल रही है, वो तपिश है, ये तो गर्मी का तपिश से त्राहिमाम की स्थिति है, भयावह स्थिति है। लेकिन हमारे इस क्षेत्र के जो अभी विधायक है, हमारे यहाँ पे जो विधायक महोदय हैं, हमारे यहाँ के एक कटिहार जिला के एक सांसद महोदय हैं, इनको जनता जो है यहाँ इस गर्मी से निकाल करके एसी रूम में विधानसभा और पार्लियामेंट पहुँचाती है, और हमारे यहाँ पर ये डिप्टी सीएम का भी गृह जिला है। लेकिन जब जनता जो है गर्मी से त्रस रहा है, लो वोल्टेज की समस्या से त्रस रहा है, अनियमित बिजली से त्रस रहा है, और यहाँ तक आप देखिए कि हमारा जो क्षेत्र है किसान बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर मक्का, गेहूँ, बाजरा, मखाना
यहाँ पर खेती होती है, यहाँ का जो लोगों का जो जीवन है किसान का ये खेती से ही तय होता है। लेकिन आज देखिए पूरे खेत में जो है वो दरार आ चुका है, फट चुका है, वो सीना फट चुका है ज़मीन का। लेकिन ये हमारे बिजली विभाग का जो सीना नहीं पसीसता है, ये क्या खाएंगे हमारे किसान, लोन पे लेके खेती किया है तो आखिर ये लोग ये कब तक बर्दाश्त किया जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने थक हार करके ये जो है एक सांकेतिक आंदोलन आज हम लोगों ने यहाँ पर किया पावर ग्रिड के सामने, और आगे भी हमारा ये आंदोलन भूख हड़ताल और क्या कहते हैं आमरण अनशन तक चलेगा जब तक हमारी ये नो मांग जो है, नो मांग में हमारा पहला मांग जो है आपका जो कमलाबाड़ी और सालमारी में जो पावर ग्रिड बन रहा है वो बिल्कुल कछुए की गति से और बहुत स्लो गति से चल रहा है। हमारा जो बलियापुरम पावर सब स्टेशन जो कि विदयपुर में बन रहा है उसकी गति भी बहुत स्लो है, बहुत धीमे से बन रहा है। ये दोनों पावर स्टेशन अगर बन के तैयार हो जाता तो यहाँ इस इलाके का जो है बिजली का समस्या 90% दूर हो जाएगा। तो आखिर कौन जवाब देगा कि आखिर हम लोग यहाँ की जनता और यहाँ जितने भी क्रांतिकारी साथी बैठे हुए हैं कि ये दोनों पावर सब स्टेशन कब तक बन के तैयार होगा। हम यहाँ के जेई से, हम यहाँ के एसडीओ बिजली विभाग से और हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से हमें जानना चाहती है जनता आखिर आप ये बिजली का जो पावर सब ग्रिड स्टेशन कब तक आप तैयार करके देंगे। हमारी मांग है 3 महीने के अंदर तैयार कर दीजिए, नहीं तो ये आंदोलन हमारा जो है बहुत ही उग्र रूप भी ले सकता है। जैसा कि आप बिजली विभाग की तमाम लापरवाही को यहाँ के जो स्थानीय समाज सेवी है डॉक्टर एम आर हक और साफ फैसल के जुबान से सुन रहे थे, आप खुद सोच सकते हैं कि जहाँ के विधायक से लेकर डिप्टी सीएम और वहाँ के सांसद लोकल हो और उन लोगों को अपनी मांगों को लेकर इस तरह से धरना में बैठना पड़े तो ये कहाँ तक उचित है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।